बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना संकट को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज मैं फिर आपके बीच में हूं। मैं आपको अवगत करा दूं कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने अंतर्राज्यीय जो लोग कैंपों में रह रहे हैं या अन्य लोग हैं उनको अब प्रवास की छूट दी है और पिछले 24 घंटों में लगभग 85,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है अपने गांव की तरफ लौटने के लिए। ये हमारे लिए एक बहुत जिम्मेदारी का काम आज मिल गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा और विशेषकर मैं अपने प्रधान गणों से आज अनुरोध करूंगा, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध करूंगा, तमाम जो एनजीओ हैं, जो संस्थाएं इस काम में सहयोग कर रही हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी कुछ अधिक बढ़ गई है। बड़ी संख्या में प्रवासी भाई बहन अपने परिवार के सहित अपने गांव को लौटेंगे। हमको बहुत सतर्कता के साथ, अपनत्व के साथ, आत्मीयता के साथ उनको अपने गांव में ठहरने की व्यवस्था करनी है। मैं ये भी बता दूं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं हम उनको ये ना समझें कि वो संक्रमित हैं। हो सकता है कि कोई संक्रमित हो सकते हैं लेकिन हम सबके साथ ऐसा न सोचें। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जिससे हम लोग बहुत चिंतित भी हैं, आज हमारी सरकार ने तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं चाहिए थी वो व्यवस्थाएं हमने की हैं। हमारे राज्य को ये भी सौभाग्य है, हमारे डॉक्टर्स को, कि अभी तक सभी जो पेशेंट हैं वो ठीक होकर अपने घरों के लिए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से कोई भी मृत्यु आज तक उत्तराखंड में नहीं हुई है। हमारे डॉक्टरों पर हमको विश्वास है, वो बहुत कुशलता से काम कर रहे हैं। मैं प्रधान गणों से कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने घर आ रहे हैं वो उनको होम क्वारंटाइन में हमको रखना होगा। जो लोग उत्तराखंड राज्य से एक दूसरे जिले में जा रहे हैं, जो हमारे कोरोना मुक्त जिले हैं, उनको कोई क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। वो सामान्य जैसे हम लोग सभी लोग रहते हैं इसी तरीके से रह सकते हैं, अपने खेतों में काम भी कर सकते हैं और भी जो भी हमारे गांव में काम है या हम लोग जो भी सामान्य जीवन में जिन चीजों को करते आए हैं वो सामान्य जीवन वो लोग जी सकेंगे। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमको कोई ऐसा व्यक्ति लगता है कि उसको खांसी जुखाम लंबे समय से हो गया है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, शरीर टूट रहा है, तो उसकी सूचना हम विभाग को दें, जो हमारे कंट्रोल रूम है उनको हम उसकी जानकारी दें, जो हमारी आशाएं हैं या जिनकी जिनको आपके गांव की जिम्मेदारी है उनको हम सूचित करें। हर जुखाम बुखार ये जरूरी नहीं है कि वो कोरोना वायरस से
संक्रमित हुआ होगा, कोई जरूरी नहीं है, और इसलिए हम उसकी सूचना डॉक्टर्स को दें, जो एहतियात बरतना चाहिए उस एहतियात को हम बरतें, ऐसा मेरा आप सब लोगों से विशेष अनुरोध है। इस बीच बड़ी संख्या में मैंने जैसे बताया कि लोग बाहर से रजिस्ट्रेशन किया है जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं, उनको हम चरणबद्ध तरीके से वापस लाएंगे, क्योंकि अकेले दिल्ली से 26,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण कराया है, और आप सब समझ सकते हैं कि हमको उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं करनी होंगी। जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा उसका स्क्रीनिंग होगा, उसका बुखार आदि, उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, और जो संक्रमित होंगे उनको हम यहीं हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी या उधम सिंह नगर में वहीं रोक लिया जाएगा। जिस पर भी ऐसे संक्रमण की संभावना होगी उसको बिल्कुल भी उसके घर पर नहीं भेजा जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लोग आने वाले हैं उनके लिए हमारी रेल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बसों से इतने लोगों को ला पाना संभव नहीं है, तो कुछ जगहों पर बस भी जाएंगी, वो कल से ही सुबह से ही ये काम प्रारंभ हो जाएगा। जो पहाड़ के लोग पहाड़ में ही हैं या एक दूसरे जिले में हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, उनको भी हमने परमिशन किया है कि वो अपने गांव जा सकते हैं। 4 तारीख से हमारे हरिद्वार को छोड़ करके सभी जिले हमारे खुल सकेंगे। डिटेल जानकारी आपको अखबारों से मिलेगी, मॉल हैं, जिम हैं, सिनेमा हॉल हैं, स्कूल हैं, जो हमारे स्विमिंग पूल हैं, ये सब बंद रहेंगे, लेकिन बाकी गतिविधियां संचालित होंगी। जो सरकारी कार्यालय हैं कहीं पर 33% के साथ खुलेंगे, कहीं पर 50% के साथ खुलेंगे, और जो ग्रीन जोन है वहां पर खुलने की छूट है, लेकिन हम उनको भी अभी पूरी तरह नहीं खोलने वाले हैं, उनको एक सर्टेन परसेंटेज में, जो बहुत जरूरी जिन सरकारी कार्मिकों का ऑफिस में रहना जरूरी है, फर्स्ट फेज में हम उनको बुलाएंगे। मैं समझता हूं कि आप सब लोग, और मैंने कहा कि मैं विशेष रूप से बात अपने गांव के प्रधानों से कर रहा हूं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से कर रहा हूं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कर रहा हूं, कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है, हमारे अपने लोग हमारे अपने गांव की ओर आ रहे हैं, उनका हमने विशेष चिंता भी करनी है, उनको महसूस होना चाहिए कि हम अपने गांव में आए हैं, अपने घर में आए हैं, वो प्यार दुलार वो आत्मीयता उनको मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। जो लोग आने वाले हैं राज्य के बाहर से, उनसे मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सबको लाएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य से, क्योंकि सब लोगों को एक साथ नहीं लाया जा सकता है, और इसलिए उसके लिए एक विशेष व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है। हम वहां की सरकार के साथ बातचीत करके और आप सबको आपके गंतव्य तक पहुंचाएंगे, आपके घर तक पहुंचाएंगे। आप सुखी रहें, खुश रहें, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनके मासूम से दिल से निकली दुआ कभी खाली नहीं जाती। लॉकडाउन में स्कूल व ट्यूशन की छुट्टियां होने से बच्चों की शरारतें बेशक